स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका सभी का स्वागत खैर मकदम करते हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का ये पांचवा मुकाबला बारामूला विक्टोरिया बनाम अशरफ सोपोर के बीच, और टॉस जीता परवेज ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और ये लीजिए उनकी सलामी जोड़ी, उनकी पारंपरिक जोड़ी अब मैदान के अंदर आई हैं। उनके कप्तान खुद परवेज आए हैं और नौ सिकिंग एंड पे हैं महराज। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो अमूमन तेज ही खेलना पसंद करते हैं। स्ट्राइक रेट 140 से अधिक उनकी रहती हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, और कुछ बड़े नाम भी इस मैच के अंदर ज़रूर खेल रहे हैं। बारिश उयूब अमान ये जो युवा खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन इस मैच का वो हिस्सा हैं, शेख फहीम इस मैच का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि किस तरह की ये गेंदबाजी करेंगे। हालांकि उनके कप्तान से बातचीत करके उन्होंने ये कहा था कि मैं गेंदबाजी ही करना चाह रहा हूँ। जुनैद डार इस समय शॉर्ट कवर के अंदर नज़र आ रहे हैं, तजमुल गली क्षेत्र के अंदर नज़र आ रहे हैं। अमान जो बारामूला के एक युवा खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी तो कमाल की करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आज इस बड़े मुकाबले में वो अपनी छाप किस तरह से देख रहे हैं। और बारिश उयूब आपके स्क्रीन के सामने हैं, मुंतजिर बूम बूम भी इस मैच का हिस्सा है, जिन्होंने हाल ही में पंडितपुरा में वो फाइनल जीता था रामहाल रेड्स के सामने। वो ये वही कप्तान हैं जो 99 की जर्सी में आज का वो मैच ज़रूर खेल रहे हैं। मेराज और परवेज इस समय सलामी जोड़ी के तौर पर आए हैं। परवेज तो अमूमन पारी का शुरुआत नहीं करते हैं, शफात अमूमन मैंने देखा है पारी का शुरुआत करने के लिए आते हैं, जिन्होंने सोपोर कप के पहले ही मैच में वो शतकीय पारी बनाई थी शफात। हालांकि वो मैच का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन सलामी जोड़ी के तौर पे नहीं आए हैं। आज एक बदलाव किया है और गुलाम मदीन कप्तान और निश्चित तौर पे खुश होंगे। उनके खिलाड़ी उबैद जो बंगडारा से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस मैच का हिस्सा हैं। जैसे गेंदबाजों को पिक करना हमेशा रहता है कि वो किस गेंद से गेंदबाजी करेंगे, इस समय वही बातचीत सभी खिलाड़ी आपस में कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो दुविधाएं हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं। एहसान गनाई, बट सोहेल और बट आदिल इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं जुड़ने के लिए। टॉस जीता अशराफ सोपोर के कप्तान परवेज ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और यही कारण है कि उनकी जोड़ी, उनकी पारंपरिक जोड़ी अब मैदान के अंदर आई है। यासिर लेफ्टी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो कमेंट्री छोर से अब गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के ये तेज़ गेंदबाज हैं और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी ये करते हैं, और देखना पड़ेगा कि इस मुकाबले में वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। मुनीर खान भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं बट आदिल के साथ, और शुक्रिया, आप हमेशा बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर करेंगे ताकि जो अन्य और भी लोग हैं वो हमारे साथ नज़र आ रही आएंगे जुड़ने के लिए। और अगर आप फील्डिंग की बात करें गली पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट शॉट कावा मिड ऑफ ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी सीमा रेखी पे रखा है कैचिंग पोजीशन पे, और डीप स्केयर लेग का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है कैचिंग पोजीशन पे। नियमानुसार है जैसा आप 30 दो ही खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। तो अंपायर ने कहा लेट्स प्ले, तो ये पहली गेंद इस मैच की, और दो विकेट यासिर लेफ्टी बाएं हाथ के, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइट का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ पहला रन बोर्ड के ऊपर। और अच्छे गेंदबाज तो ये जरूर है, लेकिन सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी, और खास तौर से जब आप शुरुआती ओवर करते हैं। परवेज एक ऐसे गेंद बल्लेबाज हैं, ये बड़े स्ट्रोक्स की काबिलियत उनके पास है, और इस बार बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद, और चारों खाने चित किए थे इस बार बल्लेबाज को, और भाग्यशाली रहे कि काफी नजदीक से ये गेंद गिरी थी। और वही तो परवेज यहां संदेशा दे रहा है अपने नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज मिराज को,
क्योंकि काफ़ी बढ़िया गेंद अंदर की ओर आई थी। जैसा स्वाभाविक तौर पे बाएं हाथ के जो गेंदबाज होते हैं, पढ़ने के बाद बाहरी अमूमन गेंद जाती है, लेकिन जब आपके पास इतनी अच्छी काबिलियत है तो आप किसी भी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन ज़रूर कर सकते हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा था, गेंद फाइन लेग की दिशा में जरूर गई थी, एक रन बनाने का वहां मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन बिना नुकसान के अशराफ सोपोर की टीम, उनके कप्तान आज सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। हालांकि अमूमन ये नहीं देखा जाता है कि वो पारी की शुरुआत करने के लिए आए, क्योंकि मिराज भी जो ऐसे खिलाड़ी हैं वो तेज़ खेलना ही पसंद करते हैं। जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं यासिर लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, पारी का ये पहला ओवर इस समय दाग रहे हैं। कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां पे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री आप सुन रहे हैं। और ये लीजिए मुजफ्फर डार, वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम, सपोर्ट्स हब के ये ओनर हैं, जो आप पेज सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी उबैद और वो गलतियां नहीं करते हैं। यासिर लेफ्टी ने पहला दचका दिया यहां अशरफ सोपोर को और ये बड़ी विकेट जाल में। मेराज जो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, तेज खेलना वो पसंद करते हैं, इस बार पुल जरूर किया था लेकिन ऊपरी बाग पे गेंद लगी थी, मिड ऑफ पे उबैद मौजूद थे, वो अमूमन गलतियां नहीं करते हैं। क्या बढ़िया कैच और ये पहली विकेट का पतन भी होता हुआ। मुजफ्फर डार जो सपोर्ट्स हब के ओनर हैं, मतलब जिस तरह से वो पेज को आगे बढ़ा रहे हैं और ख़ास तौर से वादिया कश्मीर के क्रिकेट को जिस तरह से वो उजागर कर रहे हैं, वो देख के अच्छा लग रहा है। और मेरे लिए ये एक सपने जैसा बात है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारी लाइव में आ रहे हैं, और ख़ास तौर से मेरी तो उनसे खासी बातचीत होती है कैमरा के बाहर भी। मैं मुजफ्फर सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप हमारे कामों को सराहते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह भविष्य में भी हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। आप सराहनीय काम आप भी करें स्पोर्ट्स हब, और आप उसको सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी सराहनीय काम वो ज़रूर कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मेरा उनसे आज ही संबंध अच्छे नहीं है मुजफ्फर सर के साथ, पिछले 5 वर्षों से मुझे उनके साथ हमेशा बातचीत होती है और काफ़ी अच्छा वो मुझे सहयोग देते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं उनका दिल से उम्मीद गहरा से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब शफात आए हैं मैदान के अंदर सोपोर कप के, उन्होंने पहले मैच में फाइनल में और एक और विकेट यहाँ मिलती हुई, यासिर ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें, और सलामी जोड़ी अब वापस जा रही है और ये कप्तान के तौर पे विकेट गिरी है। पिछली विकेट जो थी वो महराज की गिरी थी और परवेज ने बिल्कुल उसी प्रकार का शॉट खेला था, और ये दूसरा झटका उनको मिलता हुआ। और ये तो मैं कह रहा था कि उन्होंने आज थोड़ा सा बदलाव किया है बल्लेबाजी में, और अमूमन शफात पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, आज कप्तान खुद आए थे, लेकिन वो जो उन्होंने रणनीति बनाई थी तो फिलहाल वो तो काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। ये दूसरा झटका लगता हुआ और यासिर लेफ्टी लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और दो विकेट उन्होंने गेंदबाजी किया और क्या लाजवाब अब तक गेंदबाजी रहे हैं, सही तकनीक के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बिलाल वानी, अदनान डार हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, इट इज़ मीर कश्मीरी वो भी रोहामा से हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, एजाज अहमद हबीब, एजाज पुलाड हियर, उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आफाक इशफाक भाई जान आज मैच कैंसिल करना था क्योंकि अगर श्रीनगर में हुआ था अल्लाह जानता है। शेख बासित भी हमारे साथ नजर आए, लव यू जुगर योर वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आप हमेशा समर्थन करते हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये कारण भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आपका सहयोग नहीं होता तो शायद ही मैं उस मुकाम पे जाके खड़ा होता, लेकिन उसके हकदार निश्चित तौर पर आप हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का ये 5वां मुकाबला इस समय चल रहा है, और मैदान के अंदर इस समय खबर ये है कि काफ़ी संकट पे इस समय अशराफ सोपोर की टीम है।
हालांकि उनके जो तुर्की के बल्लेबाज हैं शफात, वो कमाल के खिलाड़ी हैं, तकनीकी रूप से ये सक्षम है, और किस ब्रांड का वो उपयोग कर रहे हैं जो हमारे भी स्पॉन्सर रहे हैं। अब नए खिलाड़ी जुनैद के तौर पे आए हैं, इस समय अंपायर से वो गॉड लेते हुए, और एक अच्छी चीज़ हुआ है कि दूसरी स्लिप भी अब तैनात की गई है कप्तान आकाश के द्वारा, और बहुत बढ़िया मानसिकता के साथ आकाश जो है वो मैदान के अंदर उतरते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव, अच्छा खासा लंबा उनके पीछे ज़रूर है। यासिर अब हैट्रिक पे है और दो विकेट जुनैद के लिए, और बढ़िया गेंद, क्या उछाल इस बार मिली थी अतिरिक्त उछाल के साथ। हालांकि अपील जरूर हुई थी, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का, विश्वास की कमी इस अपील में जरूर थी। हालांकि बल्ले से भी खासा दूर गई थी, खतरे की कोई बात नहीं है। ये पहला ओवर इस समय चल रहा है, दो रन दो विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। अब यहाँ ज़रूरत है उनको एक साझेदारी की, और देखना पड़ेगा कि किस तरह की साझेदारी ये यहाँ कर पाएंगे। हमेशा कहा जाता है कि ये खेल ही साझेदारियों का है, इस बार बैकफुट पर जाकर सम्मान के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, उनके कप्तान शॉर्ट्स के लेग पे फील्ड कर रहे थे। जब वो फील्ड कर पाते, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहला सफल ओवर हुआ समाप्त, जिसमें यासिर लेफ्टी ने दो जो सलामी जोड़ी थी उनको आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया था। तो कुल मिलाकर ये सफल ओवर, और अब दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं अमान, कि युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल वो कमेंट्री छोर एंड से ही वो गेंदबाजी करेंगे। उनके कप्तान आकाश नजार इस समय उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेशा उनको वो ज़रूर दे रहे हैं कि ज़्यादा कुछ करने का यहाँ प्रयास ही ना करें, क्योंकि यहाँ अब मुश्किल में ज़रूर फंस चुकी है अशरफ सोपोर की टीम। यूँ तो कहा यही जाता है कि ये उनका घरेलू मैदान है, उनसे अपेक्षाएं यही की जा सकती है कि वो बढ़िया प्रदर्शन करें, लेकिन अब तक खासा निराश किया है उनके सलामी जोड़ी ने। और इस बार लेग स्टंप के आसपास फुल टॉस के तौर पे, और बढ़िया तरीके से शफात ने गेंद को निकाला, हल्की सी चूक, वहां दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने ये दो रन अर्जित किए हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार रन दो विकेटों के नुकसान पर, ये पारी का दूसरा ओवर अमान इस समय डाल रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्री छोर एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ज़रूरत है यहाँ एक साझेदारी की अशरफ सोपोर की ओर से। जुनैद और शफात ये बले बांधती जानते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हमें यहाँ करना है। इस बार बढ़िया गेंद ड्राइव जरूर किया था शॉर्ट कवर पे, मुंतजिर बूम बूम खुद मौजूद है, पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं, सिकोर ठहरा हुआ चार रन दो विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। आज सुबह टॉस जीता अशराफ सोपोर के कप्तान परवेज ने, और पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन अब तक सही साबित उनके लिए नहीं हो। इस बार बढ़िया गेंद थे, इस बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया था, काफ़ी नज़दीक से ये गेंद जाके गई थी, करीबी मामला जरूर था, बल्ले के बिल्कुल सामने ये गेंद गिरी थी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ ये गेंदबाजी कर रहे अमान। हालांकि पहली गेंद बिल्कुल लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी बढ़िया वापसी भी, और ये जो प्रतियोगिता है चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 ब्रिज ब्लास्टर्स जैसी टीम इस प्रतियोगिता में खेल रही है, जिसमें जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, इश्नाक जैसे खिलाड़ी होंगे। शोपियन स्ट्राइकर्स उन्होंने एक मैच परसों जरूर जीता था, यानी कि इस प्रतियोगिता में फी आपको नहीं देना पड़ता है। और ये हमारे जो एक्स रांझी खिलाड़ी हैं निसार अहमद खांडे साहब, उसी के नेतृत्व में ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये काफ़ी कमाल की पहल है।
इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, बढ़िया प्रयास वहां कीपर के द्वारा, निश्चित तौर पे उन्होंने 4 रन बचाए टीम के लिए। हालांकि अतिरिक्त रन के साथ 1 रन जरूर मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदे शेष है इस ओवर की जो पारी का दूसरा ओवर अमान इस समय डाल रहे हैं। जरूर दिए हैं लेकिन अभी भी 2 गेंदे बची हैं इस ओवर के। जुनैद अब सामना कर रहे हैं जो दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पैड और बल्ले को क्लोज मिलाकर गेंद को खेला। आकाश नजार शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस समय फील्ड कर रहे हैं। उन्होंने गेंद को उठाकर गेंदबाज को दिया, कोई रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। स्कोर ठहरा हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शफात ने अब तक 4 गेंदों का सामना किया, 3 रन बना के वो नाबाद है। शफात एक ऐसे खिलाड़ी है जो तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम है, वो बढ़िया पारी खेल सकते हैं। और इस बार लाजवाब स्ट्रोक, और जहां ड्राइव किया था और ओवर पिच गेंद भी, और पूरी तरह से यहां फायदा उठाते हुए थे गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक था ये, इस स्ट्रोक से आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा जुनैद का। लाजवाब स्ट्रोक था ये, ओवर पिच गेंद अगर आप करते हैं तो इसी तरह का हाशिर कर देंगे बल्लेबाज फिर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रुनीड तनवीर इकबाल बट पटन से हमारे साथ नजर आ रहे हैं। गनाई महराज अस्सलाम वालेकुम, वंडरफुल क्रिकेट ब्रदर, आई एम फ्रॉम कमरवारी श्रीनगर, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल बट के साथ तौसीफ खान भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, वसीम मुजफ्फर के साथ। तौसीफ खान हमारे साथ हमेशा जुड़ते नजर आ रहे हैं। रोथर जहूर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और कुल मिलाकर बहुत ही व्यूअर्स इस समय अपना प्यार जरूर जता रहे हैं। अपना रानी भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, लवली कमेंट्री उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख बासित लिख रहे हैं कि आपसे मिलने का दिल करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे बातचीत ज़रूर करें। और हमारे पेज पे आप नंबर भेजकर मैं आपसे साझा अपनी बात ज़रूर कर सकता हूँ। ये आपका प्यार है जो मुझे लगातार इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। शेख तजमुल बिल्कुल इस मैच का हिस्सा है, गली क्षेत्र के अंदर वो इस समय फील्ड कर रहे हैं। बारिश अयूब के साथ इस समय वो वार्तालाप कर रहे हैं। यासिर लेफ्टी, पारी का तीसरा ओवर। इस बार क्लाइव के उपयोग से गेंद को निकाला था डीप स्क्वायर लेग की ओर से, और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां दोनों बल्लेबाजों के दौरा, जहां पे 1 रन होना चाहिए वहां बड़ी आसानी के साथ ये 2 रन अर्जित करते हुए, और बहुत बेहतरीन क्रिकेट यहां खेल रहे हैं ये। हालांकि 2 विकेट आउट हुए हैं शुरुआत में, जो सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे अशराफ सोपोर की ओर से, और उन्हें आज खासा योगदान तो नहीं दिया है अपनी टीम के लिए, और ये कारण है कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। इस बार पैडों पे गेंद जरूर लगी थी, अपील भी हो रही है वहाँ गेंदबाज और विकेट कीपर के द्वारा, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। लेग स्टंप के आसपास शायद ये गेंद पिच हो गई थी, उस कारण से अंपायर ने नकारा, अन्यथा ये विकेटों के काफ़ी नज़दीक थे। ये पारी का तीसरा ओवर, कुल मिलाकर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सलीम स्टैन इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, उनके मित्र आबेद जरूर उबैद इस मैच का हिस्सा है, इस समय लॉन्ग ऑफ पे वो खिलाड़ी मौजूद हैं और अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। सलीम स्टैन तो उबैद के खासे नज़दीक हैं, और इस समय वो मिड ऑफ के अंदर अपना भूमिका जरूर निभाते हुए। लवली कल मेरा भी मैच है इधर, आइए आप आपका स्वागत करते हैं। और पिच जो है खासा बल्लेबाजी के लिए लाभदायक भी है, और ऐसे में आप यहां डेढ़ सारे रन जरूर बना सकते हैं। ये पारी का तीसरा ओवर, यासिर लेफ्टी इस बार बढ़िया गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही है उनके द्वारा,
और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं यहाँ यासर लैप्टी, और जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप ये ज़रूर वहाँ छोड़ते हैं यासर लैप्टी। और पिछले कुछ महीनों से मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस गेंदबाज के पास वो काबिलियत है आगे जाने का, अपने लाइन और लेंथ पे ये खासा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, बिल्कुल मेरी ओर से ये गेंद आई थी, मिड ऑफ पे उबैद मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं है, स्कोर ठहरा हुआ अब तक 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, अब तक 2 विकेटें लेने में सफल हुए हैं यासर लैप्टी। ओवर द विकेट शफात के लिए इस बार चहलकदमी करके आगे आए थे, आकाश के पास गेंद थी, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां कभी नहीं चलती। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हनीफ बिन अजीज जो रामहाल के रेडर्स के एक बमहोली खिलाड़ी हैं, और क्रिकेट के अगर आप बातचीत करें तो हनीफ बिन अजीज़ को आप दूर बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको हमेशा देखता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी सक्रिय रहता हूं सोशल मीडिया के अंदर, और उनके पोस्ट हमेशा देखने को मिलते हैं, और लाइव प्रसारण भी कभी कभार उनके मैं देखता हूं, तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी वो ज़रूर हैं। अगली बार अमान, इस बार फुल टॉस गेंद, फ़ायदा नहीं उठा पाए, तजम्मुल के पास गेंद गई थी जो गली क्षेत्र के अंदर मौजूद थे, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अमान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संकोच ही नहीं है। और जुनैद डार जो सुल्तान वॉरियर्स के दिग्गज ऑलराउंडर हैं, वो इस समय उनके साथ अब बातचीत कर रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि उनके पास वो अनुभव हैं जो वो बटोर सकते हैं, अमान उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और ये देख के अच्छा लगा क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी जब युवाओं को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, और बैट पे तो ये गेंद ज़रूर लगी थी, अगर ये पैड पे लगा होता तो एक करीबी मामला यहाँ ज़रूर उत्पन्न होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हनीफ बिन अजीज लिख रहे हैं, भाई ऑन थर्सडे इट इज़ क्वार्टर फाइनल बिटवीन एचसीसी ब्लूज वर्सेस शुपियन रॉकर्स, यू शुड डू दैट लाइव टू, बिग नेम इज़ लाइक आदिल काचरू। और बहुत बढ़िया बात आपने किया है हनीफ भाई, मेरा हमेशा ये कार्य रहा है कि मैं कोई बड़े मैचेस तो नहीं देख रहा हूँ, जहाँ मुझे मैच मौका मिलता है मैं वहाँ लाइव करने के लिए ज़रूर जा रहा हूँ। और जैसा आप इस मैच को भी देख रहे हैं, देखिए कोई उतना बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छा सुझाव दे रहे हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं उस मैच को कवर निश्चित तौर पे करूँगा। लेकिन आप क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालाँकि अब तक मैं आपसे मिला नहीं हूँ, आप उसको कंटिन्यू करें, अच्छा लगता है ये देख के। अमान और द विकेट, फिर से इस बार बढ़िया गेंद थे, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से प्लेस किया था गेंद को, और वहां मुंतजिर बूम बूम मौजूद है, वहां बैक जरूर किया था लेकिन उतना बढ़िया बैकिंग वहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ओवर थ्रो के रूप में यहां 4 रन कुल मिला के मिलते हुए, और कुल मिलाकर लगभग 5 रन इस गेंद से भी, और बाइक के रूप में अंपायर का इशारा ये मिलता हुआ, और अमान तो खासे निराश नज़र आ रहा है। अब तक ये कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने इस ओवर में ज़रूर किया, लेकिन अगर आप फील्डर के तौर पे इस तरह का योगदान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं रहते हैं टीम के लिए। बट इकबाल जो डोडा के अनिवासी हैं, वहाँ के वो रहने वाले हैं, और क्रिकेट उनका खासा पसंद है, उनकी रगु में क्रिकेट बढ़िया दौड़ रहा है, और क्रिकेट के लिहाज से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक खिलाड़ी के तौर पे वो खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी लवली उमर की ढेर भरी दुआएं, शुभकामनाएं इकबाल भाई आपके साथ हैं। डोडा के ये निवासी हैं, इस बार ड्राइव किया था, शरीर के दूर ये गेंद गई थी जैसा शफात एक्शन रिप्ले में दिखा रहे थे, लेकिन बल्ले से खासा दूर ये गेंद गई थी, बल्ले और बैट के बीच कोई मुलाकात नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 8 रन देने में कामयाब हुए हैं अमान, ये पारी का चौथा ओवर, कुल मिलाकर अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय कर रहे हैं।
अगली बार कमेंट्री छोर से गेंदबाजी, और इस बार फिर से इस बार कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद की गति थोड़ी अतिरिक्त थी। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, किफायती ओवर हुआ अमान का समाप्त। चार ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। हालांकि अब तक 2 विकेटें उन्होंने जरूर खोया लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी भी। दानू दानिश भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में वो हमारे स्पॉन्सर भी बन सकते हैं और अपना खासा हमें ये वो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं दानू दानिश मोसिनदार, जो हमारे ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के। अस्सलाम वालेकुम लावली भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और गेंदबाजी में एक और बदलाव यहाँ देखने को मिलता हुआ, कमेंट्री छोर एंड से अब नए गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है कप्तान आकाश के द्वारा। जी हाँ, बारिश उयूब को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। पारी का ये पांचवा ओवर करेंगे और ये देखना होगा कि ये किस तरह की गेंदबाजी करेंगे क्योंकि इस गेंदबाजी की काफी चर्चा। और ये लीजिए, जैसा मैं बातचीत कर रहा अतिरिक्त उछाल के साथ, और ये तीसरा झटका उनको मिलता हुआ जुनैद के रूप में खड़े खड़े खेलने का प्रयास, और गेंद कुछ तेजी के साथ अंदर की ओर। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बारिश उयूब को जिसके लिए जाना जाता है एक बार फिर वो अपना काम करते नजर आ रहे हैं। और टीम के जो अन्य और भी खिलाड़ी हैं वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं जो हडल इस समय वो बनाए रहे हैं। पारंपरिक तौर पे जब होता है, जब कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है तो वो आपस में फिर बातचीत करते हैं कप्तान के साथ अन्य और खिलाड़ियों भी। और लेकिन कहना पड़ेगा कि बहुत ही खराब यहाँ इस समय बल्लेबाजी हो रही है अशराफ की ओर से। हालांकि आज एक बदलाव जरूर उन्होंने किया था बल्लेबाजी क्रम में, लेकिन अब तक शफात के छोड़ को अगर आप देखें कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बड़ी पारी यहाँ खेलने में कामयाब होंगे। सदार सदाम, वेरी इंप्रेसिव कमेंट्री, रियली स्किलफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वानी जवेद भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, लव यू टू। जूर डार भी हमें अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं, डार जवेद जो मेरे हमेशा सहयोगी कमेंटेटर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई, हम आपको खासा मिस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में हमारे साथ अपना समय निकाल के ज़रूर जुड़ पाओगे। और ये जो बारिश उयूब, जैसा मैंने कहा है कि इस खिलाड़ी की इस टीम में काफ़ी बातचीत, काफ़ी वार्तालाप हो रही है, और एक बार ये फिर दिखाते हुए कि क्यों है इसमें इतनी काबिलियत। और काबिलियत तो सभी के पास होती है लेकिन उसको दर्शाना मैदान के अंदर वो कुछ ही खिलाड़ी कर पाते हैं, और बारिश उयूब उनमें से एक खिलाड़ी हैं जो मैदान के अंदर अपना प्रदर्शन हमेशा करते नजर आ रहे हैं। अगली बार कमेंट्री छोर से गेंदबाजी, इस बार बढ़िया गेंद, खड़े खड़े जाकर गेंद को कट करने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा लेकिन गेंद खासा दूर गई थी बल्ले से, विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना नहीं। मुंतजिर बूम बूम आज इस मैच का हिस्सा है, जैसा उनको नाम रखा गया है बूम बूम, हमेशा ये बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं। तजम्मुल भी इस मैच का हिस्सा है, गली क्षेत्र के अंदर वो इस समय नजर आ रहे हैं। सितारों से सजी हुई है ये टीम, इस बार गति परिवर्तन किया था, उंगलियां घुमाई थी इस सीम के ऊपर, थोड़ी सी वहां गति कम कर दी थी इस बार बारिश उयूब ने। और जैसा मैंने कहा है अपने अनुभव का ये पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। पिछला 2020 का जो साल था शायद वो हरियाणा एकेडमी में वो अपना लोहा मनवा के वहाँ आए हैं, तो कुल मिलाकर जब आप एकेडमियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ सीखने को आपको खासा कुछ मिलता है, वो इस समय दर्शा रहे हैं बारिश उयूब। अब मोहसिन आए हैं नए बल्लेबाज, तकनीकी रूप से ये अच्छे खासे सक्षम है, और बहुत बढ़िया संपर्क लगा था बैट और बॉल के बीच, कैमरामैन के लिए ये बहुत बढ़िया चित्र है, लेकिन रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। गेंद गई मुंतजिर के हाथों में जहां वो इस समय फील्ड कर रहे हैं शॉट कवर पे, हालांकि जब वहां गेंद जाती है तो स्वाभाविक तौर पे
रन बनने का वहाँ कोई संभावना नहीं होता, क्योंकि बल्लेबाज के खासा नज़दीक शॉर्ट कवर तैनात होता है। अगली बार बारिश हुई एक बार फिर से, इस बार छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, लेकिन विकेट कीपर से भी वहाँ हल्की सी चूक इस बार होते हुए बाई के रूप में रन जरूर अर्जित किया गया वहाँ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बारिश उयूब पारी का पांचवा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अब तक एक विकेट हासिल जरूर की है। यावर लोन हमारे साथ नजर आ रहे हैं, डार जावेद भी हमारी कमेंट्री की सराहना कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो हमारे साथ कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए। और लगातार सही दिशाओं में गेंदबाजी हो रही है, और जब आप वहाँ गेंदबाजी करेंगे और ऊपर से अशराफ सोपोर की जो टीम है, दबाव यहाँ महसूस वो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी जब आप खोते हैं तो जो माध्य क्रम में खिलाड़ी रहते हैं तो वो दुविधा में फिर फंसते हैं, क्या हम यहाँ रन गति को आगे बढ़ाएंगे या हम यहाँ बड़े स्ट्रोक्स खेले या विकेट बचाए। तो ये मन में दोहराई रहती है बल्लेबाजों के लिए, चाहे आप किसी स्तर पे क्यों न खेले। अब तक पारी के 5 ओवर के समाप्ति के बाद अब तक 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर निसार मलिक जो कोलकाता से इस मैच को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई। जुनेद मुख्तार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रियाज डार, वायर इज दिस इवेंट गोइंग ऑन? और जी हाँ, जो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट MIT के नाम से आप जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी मैदान में ये हो रहा है। हालांकि 3 वेन्यू में इसको इस प्रतियोगिता को कराया जा रहा है, और अमान को लगातार ही ये गेंदबाजी करा रहे हैं। ये अपने कोटे का 3रा ओवर है और इस पारी का लगभग ये पारी का अंतिम ओवर करेंगे, इस पारी का नहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर ये करेंगे। हालांकि अब तक विकेट लेने में ये असफल जरूर है, लेकिन किफ़ायती गेंदबाजी उनकी ओर से ज़रूर रही है। अब सामना कर रहे हैं मोहसिन जो कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करें, इस बार लेग स्टंप के आसपास क्लाइव के उपयोग से गेंद को निकालना चाह रहे थे, विकेट कीपर के द्वारा वहां फील्ड की गई, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अमान अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। यासिर हमारे साथ नजर आ रहे हैं, लव यू कमेंट्री यासिर डोडा से, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, इसी तरह से समर्थन करते रहे और शेयर भी करें ताकि अन्य और भी। इस बार ऊपरी किनारा जरूर लगा था और मुंतजिर बूम बूम गलतियां नहीं करते हैं, और अमान जैसे किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसी बीच उनको एक विकेट भी यहाँ प्राप्त होते हुए, और ये चौथे विकेट का पतन, और क्या बढ़िया योगदान दे रहे हैं अपनी टीम को अमान, और ये बड़ी विकेट भी जाल में। मोहसिन लगातार वो पुल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपरी भाग से वहाँ गेंद लगती है और गेंद वहाँ सर्कल में ही खड़ी होती है, और खिलाड़ी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं अपने गेंदबाजों को। और ये चौथी विकेट का पतन और अमान की ये पहली विकेट भी, और ये फायदा भी होता है कप्तान में। हालांकि अमान ने विकेट नहीं ली थी, लेकिन कप्तान आकाश नजार ने उनके ऊपर ये विश्वास जताया था कि वो विकेट ले सकते हैं, और अमान ने अंत में एक विकेट वहां दिलाई अपनी टीम को। ये चौथी विकेट का पतन, पावर प्ले का ये 6वां ओवर इस समय चल रहा है, 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। और कहना पड़ेगा कि मचदार मुसीबत में यहाँ फंस चुकी है सोपोर अशराफ की टीम। हालांकि एक छोर से इस समय संभाले हुए हैं शफात, जिन्होंने सोपोर कप के पहले मैच में शतकीय पारी बनाई थी, लेकिन अगर आप उसका साथ नहीं दोगे तो फिर ये दिक्कतें हमेशा नज़र आएंगी आपकी टीम के अंदर, चाहे आप मच चाहे कोई भी हो, अगर आप अपने बल्लेबाजों को योगदान नहीं देंगे ना, तो फिर इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं एक टीम के तौर पे। अब नए खिलाड़ी मूसा आए हैं, दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, युवा वर्षीय खिलाड़ी, और इस बार बढ़िया गेंद बल्ले से काफी नजदीक से ये गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में,
विक्टोरिया बारामूला के सभी जो खिलाड़ी हैं मैदान के अंदर और लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, अपने गेंदबाजों का वो मनोबल लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ देख के अच्छी नज़र आ रहे हैं। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ये खेल टीम गेम के तौर पे होता है और जितना हो सके अपने गेंदबाजों को आप सहयोग ज़रूर करें। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से मुंतजिर बूम बूम के द्वारा वहां फील्ड की गई, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ऑफसाइड में तो एक गहरा सा बना दिया है वहां विक्टोरिया के कप्तान ने, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। नजदीक रखा गया है कैचिंग पोजीशन पे, लगभग इसको कहा जा सकता है डीप स्क्वायर लेग पे भी वहाँ कैचिंग पोजीशन पे खिलाड़ी को रखा गया है। और इस बार ड्राइव करने का प्रयास था, शरीर से खासा दूर गिर रहे हैं और कहा जाता है कि जितना आप शरीर के नज़दीक खेलेंगे स्ट्रोक्स उतना ज़्यादा आप कामयाब भी होंगे, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद किफ़ायती ओवर अमान का समाप्त हुआ 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। परवेज मला नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद खम्बू वेरी नाइस कमेंट्री फ्रॉम करगिल और बहुत बहुत शुक्रिया सर, करगिल से भी इस मैच का इस समय वो आनंद ले रहे हैं और इससे बढ़िया उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है। मीर जवेद भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, लॉर्ड्स ऑफ लव लिख रहे हैं खान इमरान। इस बार बहुत बढ़िया ड्राइव किया था, लाजवाब स्ट्रोक था, प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार शफात कामयाब हुए थे, लेकिन दो रनों से वहाँ संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, तकनीकी रूप से ये खासा है सक्षम है और जब इस तरह के स्ट्रोक्स आप खेलते हैं तो मनोबल में थोड़ा बदलाव ज़रूर नज़र आ रहा है किसी भी बल्लेबाज को, क्योंकि जो आवाज़ आई थी, मधुर आवाज़ आई थी बल्ले से। शफात अब तक 14 गेंदों में 7 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, मुख्य कारण यही है अब तक, क्योंकि अब तक कोई भी खिलाड़ी उसका साथ नहीं दे रहा है। कश्मीर नाइट्स हैं इस टूर्नामेंट में और मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे सोचना है कि कश्मीर नाइट्स इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो खैर तो मैनेजमेंट ही बता सकते हैं, लेकिन वो एक बढ़िया टीम है, मैं उसको खासा पसंद करता हूँ उनकी टीम को। बारिश अयूब अगली बार फिर से, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, करीबी मामला था ये विकेट, बल्ले से खासा करीब जाके गेंद गिरे और बारिश अयूब लगातार उसी चैनल में गेंदबाजी करें, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, क्योंकि एक बार आप टप्पा पकड़ते हैं ना तो उसी टप्पे पे गेंदबाजी करनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो करना है वो बल्लेबाज ही को अंत में करना है, तो आप अपनी लाइन पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। और इस बार आगे निकलकर शॉर्ट ऑन पुल, जिसको कहा जा सकता है डायरेक्ट हिट वहां जरूर लगी थी, अमान जो लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी इस समय तैनात थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा अमान के दौरान, लेकिन किस्मत वाले रहे वहां बल्लेबाज मूसा, जो बिल्कुल अपने क्रीज के अंदर सुरक्षित मौजूद थे, खतरे की कोई बात नहीं है, अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सोपोर अशराफ की टीम। आज सुभाष टॉस जीता था, उनके कप्तान परवेज ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक ये जो फैसला उन्होंने लिया था और वो बिल्कुल गलत साबित होता हुआ उनके लिए, और जिस तरह से उनके खिलाड़ी, उनके प्रमुख खिलाड़ी लगातार झलतबाजी कर रहे हैं, और बारामूला विक्टोरियस एक ऐसी टीम है वो आपको, अगर आपकी कमज़ोरी है तो वो उसको लगातार फिर आपको टारगेट ज़रूर करेंगे, जिस तरह की ये टीम है विक्टोरिया बारामूला। अगर आप देखें अमान, बारिश अयूब, मुंतजिर बूम बूम, तजमुल यासिर लेफ्टी, तो ये एक युवा खिलाड़ियों से ये टीम सजी हुई है। मुझे लग रहा है केवल एक खिलाड़ी ऐसा है जो अनुभवी खिलाड़ी है और वो है उनके कप्तान आकाश भाई, और बाकी सभी खिलाड़ी युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं। और इसलिए ये टीम इतनी एग्रेसिव नजर आती है, कहा जाता है कि ये T20 फॉर्मेट ही युवाओं का है, युवा पीढ़ी का है। सफल ओवर समाप्ति के बाद 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 7
ओवर की समाप्ति के बाद इस समय जो करंट रन रेट इस समय जो चल रही है वो 2.3 लगभग पूरे 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बना रही है। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो स्कोर बोर्ड पे हमें नज़र आ रहा है कि 57 रन पे पहुंच सकते हैं और मुझे लग रहा है कि उसे आगे वो ज़रूर देखना चाहेंगे। 120-140 का आंकड़ा अगर वो छू पाएंगे तो कुछ बातचीत हम अपने व्यूवर से भी कर दे क्योंकि अच्छा लगता है उनको भी हमें भी। आमिर चौधरी, कहां पर हो रहा है मैच? मैच इस समय नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सोपोर में, जो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का मैदान है बिल्कुल उनके सामने ये मैच हो रहा है। लाइव वॉचिंग फ्रॉम कफवारा, ताहिर मीर हमें ये सोचित लिख रहे हैं। मीर महरान ब्रिज ब्लास्टर्स हैं, बिल्कुल सीख आपने, और इस बार गति परिवर्तन किया था अमान ने, लेकिन सही ढंग से वहाँ पड़ा मूसा ने। हालांकि लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी मौजूद है, उबैद को फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका था, इस एक रन के साथ स्कोर आगे विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। अमान अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, अब तक एक विकेट और इस बार बढ़िया स्ट्रोक कदमों का इस्तेमाल, लेकिन उबैद ने लॉन्गों पे बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, निश्चित तौर पे तो उन्होंने 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हुसैन 10 स्टार सपोर्ट सेल नमा खान इमरान तो सुबह से ही हमारे साथ नजर आ रहे हैं। खान इमरान फ्रॉम कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया जितना प्यार हमें भेज रहे हैं। और इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से शफात के द्वारा ये स्ट्रोक लगाया गया, हालांकि वार शफात को ये मालूम ही नहीं था, बिल्कुल उसी एंड पे ये थ्रो लगाया गया, लेकिन मुंतजिम बूम बूम खासे निराश नजर आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख रहे होंगे। हालांकि वहां करीबी मामला जरूर था, लेकिन 2 रनों से वहां रोक नहीं पाएंगे उनको। दो रनों के साथ स्कोर में आगे बढ़ता हुआ है 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया गेंद थी अमान के द्वारा और किसी रन का इजाफा नहीं। स्लिप कॉर्नर में अब कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है, ऑन साइड में तो उन्होंने दो खिलाड़ी तैनात किए हैं, डीप स्क्वेयर लेग और लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ऑफ साइड पे रखे गए हैं। अनुसार 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार की आप फील्डिंग सजाई है उनके कप्तान आकाश ने। हालांकि उनको जरूरत है एक साझेदारी की, अगर आप अशराफ सोपोर की बात करें, और इस बार बढ़िया गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे फिर से। शफात का ये पसंदीदा स्ट्रोक है ड्राइव जब ये करते हैं, लेकिन अब तक उतने बड़े स्ट्रोक खेलने में ये पूरी तरह से असफल जरूर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। और उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह की गेंदबाजी रही है यहाँ पंडित आफाक डार बरकत हमारे साथ समय नजर आ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। गेंद डाली थी शफात ने, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। अमान का लगभग कोटा इसी के साथ समाप्त, तक उन्होंने 8 रन दिए हैं, कोई मेडल नहीं। हालांकि
एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने जरूर दिलाई अपनी टीम के लिए। विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम, जुनेद मख्तार के साथ साथ डार बरकत भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। इस मैच का वो आनंद जरूर ले रहे हैं। बारिश अयूब अब गेंदबाजी कर रहे हैं और पहले ही हट गए थे, वहाँ ऑफ स्टंप से बाहर चल गए थे। लेकिन इस प्रकार से अगर आप स्ट्रोक्स खेलते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये और ज़्यादा परेशानी आपके लिए ज़रूर ला सकते हैं। जितना हो सके वी में खेलने का प्रयास करें। हालांकि बाउंड्रियाँ तो उतनी बड़ी यहाँ नहीं है, शफात तो अब दबाव में नज़र आ रहे हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, और अंपायर की प्रतीक्षा बिल्कुल दो टपे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। काफी लंबे समय के बाद ये चौका मिलता हुआ शफात के बल्ले से, और इसी तरह की जरूरत है यह टीम अशराफ को अगर विक्टोरिया बारामूला के सामने चुनौती खड़ी करनी है तो। अब तक शफात एक मात्र ऐसे बल्लेबाज जो अच्छे लगे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास पैडों पे गेंद लगी थी, थाई पे गेंद जाके टकराई थी, वहाँ अपील जरूर की थी बारिश अयूब ने, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं उस अपील का। होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 4 जरूर हो रहे हैं। और बल्ले से थर्ड मैन की ओर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, यह पांचवें विकेट का पतन होता हुआ और मूसा भी अब बारिश अयूब का शिकार बने। और विक्टोरिया बारामूला की टीम और खास तौर से बारिश अयूब जो अपनी लाइन और लेंथ पे खासा ध्यान दे रहे हैं और उसी पे विश्वास भी दिखा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात कि बारिश अयूब से सबसे बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा सर, आप हम आपका स्वागत करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे, और आप अच्छा खासा योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से भी आप अच्छा आपके साथ है, आप इसी तरह के काम जब आप क्रिकेट के लिहाज से इस तरह की काम करते हैं। हालांकि आप खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैदान के अंदर आप तैनात ज़रूर होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2022 में आप क्रिकेट को आगे ज़रूर और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देख के अच्छा लगता है कि जब आप क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार आगे निकलकर पॉइंट के ऊपर से, हालांकि तजम्मुल गेंद को पीछे दौड़ रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब नए खिलाड़ी फयाज के तौर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि शफात अभी भी नाबाद हैं, जिन्होंने 27 गेंदों का सामना किया, 15 रन बना के नाबाद हैं। और सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि अगर आप शफात का साथ नहीं दोगे तो फिर ये तो होगा ही होगा। और इस बार बढ़िया कट किया था, जुनेद डार वहाँ मौजूद है बैकवर्ड पॉइंट पे, अच्छी खासी उन्होंने वहाँ फील्ड की है, लगभग उन्होंने 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बारिश अयूब ने इस ओवर में दूसरे विकेट दिए और अब तक 8 रन उन्होंने दिए हैं, तो आप कल्पना जरूर कर सकते हैं कि कितनी कसी हुई। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इस बार गाइड करने का प्रयास था, तजम्मुल के द्वारा
लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स नजर आ रहे हैं वो भी साथ दे इस लाइव प्रसारण का, वो हमें ये जरूर लिखिए कि अशराफ सोपोर की जो टीम है कहाँ उन पे चूक हुई है, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। और अब बारामूला के एक बड़ा चेहरा जो है युवा खिलाड़ी जुनैद डार, जो सुल्तान वॉरियर्स के भी के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी टीम के भी वो तुर्की एके हैं और लाजवाब प्रदर्शन उनका रहता है और खास तौर से T20 फॉर्मेट के अंदर। और आकाश उनके कप्तान ने अब गेंदबाजी में बदलाव किया है और अमूमन जुनैद को हम इससे पहले ही गेंदबाजी करते हुए देखे हैं, लेकिन आकाश जानते हैं कि जरूरत आज नहीं पड़ी है क्योंकि उन्हें जो अन्य और भी गेंदबाज हैं, चाहे आप यासर लेफ्टी की बात करें, बारिस अयूब की बात करें और अमान की भी बात करें, तो उन्होंने अच्छा खासा योगदान जरूर दिया है अपनी टीम को। ये कारण है कि जुनैद डार को थोड़ा सा देरी से वो आज लेके आए हैं। ये अपने कोटे का पहला ओवर कमेंट्री छोर एंड से इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था वहां फयाज ने, बल्ले और बैट के बीच है और स्कोर ठहरा हुआ 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि असल में वो प्रश्न हमें क्या पूछना चाह रहे हैं, पूरी तरह से वो लिखे ताकि हम आपका जवाब जरूर दें। इस बार लेग स्टंप के आसपास क्लाइव के उपयोग से गेंद को निकाला, डीप फाइव लेग की ओर से दूसरा रन दौड़ने के लिए वहां जा रहे थे, लेकिन शफात ने अंतिम समय में उसको नकारा था। एक रन से वहां जरूर रोकना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मीर प्रोविजनल स्टोर जो वोगुप सोपोर के निवासी है, वहां के रहने वाले हैं और अपने बिजनेस में वो खासा बिजी रहते हैं, लेकिन क्रिकेट को वो कभी भी मिस नहीं कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था ये, लेकिन डीप पॉइंट पे वहाँ यासर लेफ्टी मौजूद है, एक रन बनाने का मौका था, लेकिन अंपायर की ओर से ये नो बॉल का भी इशारा, यानी कि अब फ्री हिट का सामना करेंगे शफात, जो अच्छे खासे सेट बल्लेबाज अब तक रहे हैं। हालांकि एक रन उस पर हुआ है, उस कारण से अब फील्ड भी आप बदलाव जरूर कर सकते हैं। मुजामिल मंतू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और ये लीजिए जुनैद डार फील्ड गेंद करेंगे शफात के सामने, अक्रॉस द लाइन पहले ही चले गए थे, ऑफ स्टंप से बाहर आए थे, लेकिन संपर्क उतना खास नहीं, लेकिन एक रन से वहां रोक नहीं पाएंगे शफात को। रन 5 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। फयाज को उनका बनाने हैं और बैक फुट पे जब आप इतने दूर से खेलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सवालिया चिन्ह आपके जो आपकी तकनीक है खेलने के लिए उस पर ज़रूर उठा रहे हैं। हालांकि मेरा वो कहना नहीं है कि उनकी तकनीक ख़राब है, लेकिन इस तकनीक से खेलना थोड़ा सा अटपटा लगता है, ये सही तकनीक नहीं है इस गेंद को खेलने के लिए, शरीर से आगे साथ खेलना होगा। और जैसा ये शॉट उन्होंने खेला था, हालांकि संपर्क बहुत बढ़िया हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गली क्षेत्र के अंदर वहाँ खिलाड़ी मौजूद था, रन बनाने का संभावना नहीं है, प्लेसमेंट दौड़ने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि गैप्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी है इस खेल में, तब जाके आप सफल भी होते हैं और आपको रन भी अर्जित मिलते हैं। जुनैद डार इस बार बढ़िया गेंद, जड़ के अंदर डाली गई गेंद, रूम बनाने का प्रयास जरूर था बल्लेबाज के द्वारा और डॉट गेंद के साथ अब ओवर की समाप्ति भी
और 4 रन आए इस ओवर से जुनेद डार के ओवर से। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और कप्तान की भूमिका बहुत बढ़िया रहती है किसी भी सफल टीम जो रहती है। और आकाश नज्जार इस समय अपने गेंदबाजों को बहुत बढ़िया तरीके से बदला रहे हैं और अब उबैद को ला रहे हैं एक और बदलाव गेंदबाजी में। उमर भाई लव यू वॉचिंग फ्रॉम तुस मैदान राइजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। सजाद नज़ीर अंतराल के बाद समय शुरू होने जा रहा है, लव यू टगमग, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि आपने कमेंट्री पूरी तो सीखी है, अब जरूरत है कि मेरे साथ आप जरूर जुड़े। उबैद और लेग स्टंप के आसपास और बहुत बढ़िया स्ट्रोक था ये, हालांकि रन एक ही मिलेगा लेकिन स्ट्रोक बहुत बढ़िया था ये। और अंपायर की ओर से नो बॉल का भी इशारा, यानी कि ये फ्री हिट का इशारा। और अब सामना करेंगे लेकिन फयाज इस बार, और ये पहली गेंद अगर आप फिर आप ढीले रहते हैं, और कारण भी है कि आकाश नज़ार थोड़े से भी नजर आ रहे हैं, वो जानते हैं कि ये जो क्रिकेट है एक ही रन से उसका फैसला होता है अंत में हार जीत का, और इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार लेग स्टंप के आसपास कीपर ने छलांग लगाकर इस गेंद को रोका, दस्तानों में लिया, अच्छा एफर्ट अच्छा प्रयास, लेकिन वाइड के रूप में तो रन जरूर मिलेगा उनको। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। उबैद इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, इस बार कीपर भी चूकते नजर आ रहे हैं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, बाइक के रूप में अंपायर का इशारा ये आता हुआ। और ये खासी खराब गेंदबाजी उबैद के द्वारा, क्योंकि अन्य और गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया अब तक, और ये जरूरी है कि आप दबाव को रोकना भी असंभव रहता है। यासिर नज़ीर हमारे ग्रेट लिसनर हैं, डाई हॉट फैन हैं वो, और फिर से लेग स्टंप से बाहर, इस बार फिर से कीपर झुकते नजर आ रहे हैं शॉर्ट फाइन लेग पे, उनके कप्तान आकाश नज़ार नजर आ रहे हैं। जब वो गेंद को उठा पाते किसी रन बनाने का कोई संभावना नहीं है, स्कोर खासा महंगा ओवर साबित होता हुआ। इस बार ये फ्रेड गेंद जरूर थी डीप फाइन लेग के ऊपर से, जब तक डीप स्केर लेग का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं अपनी टीम के लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। चैंपियंस कप 2021 का ये 5वां मुकाबला जिसमें वादी कश्मीर की तमाम बड़ी टीमें इसका हिस्सा हैं, जैसे ब्रिज ब्लास्टर्स बुर्जहामा जो JKPL के विजेता रहे हैं, वो टीम भी इस प्रतियोगिता में खेल रही है। और उनके साथ साथ जो शुपियन स्ट्राइकर्स जो क्रू प्रीमियर लीग 2021 के विजेता रहे हैं, वो एक मैच जरूर जीता है जिसमें आदिल काचरू मैन ऑफ द मैच रहे थे 4 विकेट लेके। गुलाम मोहिद्दीन शाह जो वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान है, मुझे सोचना मिली है कि उनको अवार्ड सेरेमनी करनी है। मैं आशा करूंगा कि गुलाम मोहिद्दीन हमें सोचित जरूर पर जाकर हल्के हाथों से खेला था, दिशा दिखाई थी गेंद को, एक रन से वहां रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और अब लग रहा है कि सूझबूझ वाली बल्लेबाजी जरूर हो रही है इन 2 बल्लेबाजों के बीच। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नैकू साकिब पलहलम से हमारे साथ नजर आ रहे हैं,
खान इमरान साउथ लव्स नॉर्थ मेड फॉर ईच अदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने इमरान भाई। एमडी अशरफ पी भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। उबैद अगली बार कमेंट्री छोर से, इस बार ऊपरी भाग जरूर लगा था बल्ले का, कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर हुई थी, मुंतजिर बूम बूम जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर सोपोर की टीम, अशरफ सोपोर की टीम आज टॉस जीतकर उन्होंने सुबह पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इस बार बैकफुट पर जाकर बल्ले और बैट के बीच उतना खास तो मिलाव नहीं हुआ था। शॉर्ट कवर पे मुंतजिर बूम बूम मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, कोई प्रश्न नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 49 रन। ओवर साबित जरूर होता हुआ, उस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां फयाज के द्वारा, लेकिन शफात उनके साथ कुछ बातचीत करा और ये शायद ये बोल रहे होंगे कि इस तरह से हट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तब जाके ना आप कामयाब जरूर होते इस खेल में। और ये बड़े बहुत बढ़िया गेंद बैकफुट पर जाकर दौड़ गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। उबैद हालांकि इस ओवर में उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर हारे डार और भेज रहे हैं कि बेस्ट विशेस टू मुंतजर एंड बारिश लोन। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि आप शायद आप उनको ये दुआएं भेज रहे हैं। बट नोमू अस्सलाम वालेकुम, उमर वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या करें, लेकिन जब हमें समय मिलता है आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग ऑन पे वो जोर तैनात है, डार जो गेंदबाजी करे अच्छा खासा सराहते हुए वो इस समय बारिश लोन को, ये देख के अच्छा लगता है कि आप एक यूनिटी के तौर पे खेल रहे हैं इस मैच को। शफात ने इस बार पहले ही ऑफ स्टंप से बाहर चले गए थे, रूम बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, कहीं कहीं वो जानते हैं कि डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात हैं, अगर उसको किसी तरह से टपा सकते हैं तो वहाँ रन अर्जित जरूर कर सकते हैं आपकी टीम। किया 21 रन बना के वो नाबाद है, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट जरूर किया था डीप पॉइंट पे, वह यासिर लेफ्ट ही मौजूद है, 1 रन बनाने का प्रश्न है। बावन रन 3 विकेटों के नुकसान पर अशरफ सोपोर की टीम, अगली बार जुनैद डार हो और द विकेट कमेंट्री छोर से गेंदबाजी, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक फयाज के बल्ले से, हालांकि वहां खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन दर्शक होके वो वहां रह बन जाएंगे, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, छक्का, और ये तो लाजवाब स्ट्रोक था ये फयाज के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 68 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ये खराब गेंद थी जुनैद की और इसको सही पिक किया वहां बल्लेबाज ने। कश्मीर नाइट्स है क्या इस टूर्नामेंट में ऐसा लियाकत, मंजूर भाई हमें वो अब तक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि वो इस प्रतियोगिता में नहीं है, अन्यथा
टीचर्स लव योर वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे नाम से भी हो, बट नोमो भी सलाम भेज रहे। आमिर आमिर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, बट नोमो भी इस मैच ग्राउंड कहां पर है, ग्राउंड सोपोर में एमईटी के बिल्कुल बगल में ये मैच चौक और बारिश आ रहे हैं और क्या लाजवाब कैच, तो एक छक्का जरूर जड़ा था और इसके बाद एक लाजवाब कैच भी और जुनैद डार की ये पहली विकेट मिलते हुए। और ये लीजिए कुछ युवा खिलाड़ी इस टीम में हैं, पारी का 12वां ओवर, कुल मिलाकर 6 विकेट खेल अभी भी बचा है। नए बल्लेबाज अब बिलाल के तौर पे आ रहे हैं, ये अच्छा खासा अनुभव उनके पीछे है, एक अनुभवी खिलाड़ी उनकी टीम में है और देखना ये पड़ेगा कि अब ये किस तरह से इस पारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने अब तक ज़रूर है। हालांकि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो किस ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं, अमूमन वादी कश्मीर के जितने भी खिलाड़ी हैं वो किस ब्रांड का ही उपयोग करते हैं, ऐसे में आप भी करें अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, ये ड्राइव करना चाह रहे थे, पूरी तरह से छकाया था इस बार जुनैद डार ने विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 8 ओवर्स का खेल बचा है और आप हमें ये बता अपनी राय जरूर स्पष्ट करें कमेंट बॉक्स में। चैंपियंस कप 2021 का ये 5वां मुकाबला है और जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं उसका नाम, एक बड़ा नाम, एक रणजी क्रिकेटर वो हमारे हैं निसार अहमद खान, और इस बार रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे लेकिन बल्लेबाज फयाज तो बिल्कुल भी रन दौड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन शफात जो थे उन्होंने इसको कॉल की थी और एक रन वहां अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदबाजी में एक और से वो गेंदबाजी की कमान सौंपने दे जा रहे हैं। शुरुआत में वो खासी मुसीबत में यहां फंस चुकी हैं गुलाम कादिर काचरू साहब, खासा वो योगदान दे रहे हैं स्पोर्ट्स के लिहाज से, अपना पूरा जीवन उन्होंने स्पोर्ट्स को उजागर करते हुए गुजारा है, और इससे बढ़िया चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है। और हमारी ओर से उनको ढेर बड़ी शुभकामनाएं दुआएं आपके लिए, हम आपकी बड़ी जीवन बड़ी उम्र का हमेशा दुआएं करेंगे, क्योंकि जब आपका हाथ सर के ऊपर है तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी गौरव प्राप्त करते हैं खुश। और इस बार बढ़िया ड्राइव किया था ये शफात ने, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद उनकी लगती हुई और रन तो एक ही मिलेगा, लेकिन क्या संपर्क था बल्ले और बैट के बीच। बिलाल सुल्तान हमारे बिलाल शाह इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, नजर आ रहे हैं और अपना योगदान वो
लगाकर 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इस बार उन्होंने गाइड तो जरूर किया था, जब तक फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ एक रन वहां अर्जित होता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का लगभग 13वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, क्रॉस द लाइन खेलने का उन्होंने प्रयास किया था, केवल एक ही रन मिलेगा। लेकिन अब कुछ देर से अब लगातार ये स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर रहे हैं और ये देख के अच्छा लगा 13 ओवर नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम अभी भी 7 ओवर का खेल और बचा है। हालांकि शफात अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं, अपना योगदान वो अपनी टीम के लिए दे रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि कब तक वो अपना सहयोग अपनी टीम को दे पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया बात है उनके लिए। जुनैद ने अब तक 2 ओवर्स किए हैं, 13 रन देकर 1 विकेट उन्होंने जरूर चटकाए हैं। इस बार शॉर्ट ऑन पुल उन्होंने जरूर किया था, लेकिन वहाँ खिलाड़ी तैनात है डीप स्क्वायर लेग के बिल्कुल सीम हरे के नज़दीक कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा जा चुका है। एक रन बनाने का वहाँ मौका था, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 5 गेंदे बची हैं इस ओवर के। जुनेद डार कमेंट्री छोर एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया काम किया वहाँ कीपर ने, ड्राइव लगाकर इस गेंद को अपने दस्तानों में उन्होंने जरूर लिया है और छह विकेटों के नुकसान पर शफात ने अब तक 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 25 रन बना के वो नाबाद जरूर हैं। जुनेद डार और द विकेट और इस बार क्लीन बॉल्ड युमेश साई हिट और ये तो कहानी रही है अब तक। और जुनेद डार जो है इसके लिए जाने जाते हैं, ये उनकी दूसरी विकेट लगते हुए और इस बार क्लीन बॉल्ड के तौर पे बिलाल को उन्होंने आउट किया है। ये 7वें विकेट का पतन है 64 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। हालांकि अभी भी नाबाद है बिल्कुल संभाल के रखा है, लेकिन अन्य और किसी भी खिलाड़ियों ने अब तक कोई भी योगदान नहीं दिया है। ये कारण भी है कि इतनी खासा मुश्किल में वो इस समय फंस चुकी हैं। अब बिलाल के आउट होने के बाद अब उमर आए हैं मैदान के अंदर, लेकिन खासा निराश किया है यहाँ बल्लेबाजी से अशराफ सोपोर की टीम ने। उसका मुख्य कारण जाता है कि जिस तरह से विक्टोरिया बारामूला ने अब तक गेंदबाजी की है, चाहे आप जुनेद डार की बात करें, यासर लेफ्टी की बात करें, बारिस अयूब की बात करें, तो कुल मिलाकर एक जुट के साथ वो नजर आ रहा है। हर एक गेंदबाज ने अपना बहुत बढ़िया योगदान जरूर दिया है। अहमद नज़ीर लिख रहे हैं बिलाल अहमद ने कितना स्कोर किया है। बिलाल अहमद ने केवल 5 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। डार ओएस भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। जुनेद डार अगली बार और दो विकेट, इस बार बढ़िया गेंद दिए और ये करीबी मामला है। जुनेद डार के चेहरे पे प्रतिक्रिया देखिए हंसी की, क्या बयान कर रही है ये, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि एक करीबी मामला जरूर था ये, अगर बल्ले पे ये गेंद नहीं, क्योंकि काफ़ी विकेटों के काफ़ी नज़दीक ये खेलते हैं, बैक फुट पर उन्होंने ये ज़रूर खेला था और अगर अंपायर अगर पैडों पे लगती तो ये करीबी मामला ज़रूर होता। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को मोड़ा था, गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर, वहाँ बारिस अयूब मौजूद हैं जिन्होंने एक लाजवाब कैच वहाँ
जरूर पकड़ा है और अब तक पूरी तरह से हावी टीम हो चुकी है विक्टोरिया बारामूला की। ये मानना पड़ेगा 65 रन 7 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 14वां ओवर इस समय कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गैप में भी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी समय के बाद ये चौका आता हुआ और ये भी शफात के बल्ले से, और इस बार उन्हें गैप को जरूर तलाशा था और लाजवाब स्ट्रोक है। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 7 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 14वां ओवर जुनेडार कर रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार बल्लेबाजी ने कुछ अतिरिक्त स्ट्रोक खेला था। और जी अपील तो जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि लगभग ये बल्ले से पहले लगी थी और जिन्हें तो खासे खुश नजर आ रहे थे गेंदबाज के तौर पे, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अच्छा निर्णय। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम, और एक बार फिर वो अपने प्रमुख गेंदबाज को लेके आए हैं, बारिश अयूब को लेके आए हैं, जिन्होंने अब तक बढ़िया गेंदबाजी की और फील्ड से भी कुछ योगदान दे रहे हैं अपनी टीम को। एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है। आमिर जानवारी, उमर हामिद, बिग फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार गति परिवर्तन तो ज़रूर किया था अंतिम शरणों में, वहाँ शफात ने तिरछे बल्ले से घाइट करके स्टेयर के अंदाज में थर्ड मैन की ओर खेला, 1 रन बनाने का प्रश्न था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बारिश अब तक 9 रन देकर 2 विकेटें अर्जित जरूर किए हैं उन्होंने, और ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी ये नए बल्लेबाज के लिए। बारिश उयूब बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, हमेशा उतना आसान नहीं है नए बल्लेबाज के बारिश उयूब के सामने खेलना, क्योंकि हमेशा आपको ये टेस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जिस टप्पे पे ये गेंदबाजी करते हैं, गुड लेंथ स्पॉट जिसको कहा जाता है, इस बार लेग स्टंप के आसपास उछली थी गेंद, एक पांव पे उन्होंने अपना संतुलन जरूर बनाया था। 1 रन आसानी के साथ वहाँ मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये जो क्रिकेट की पहल की है हमारे एक्स रांची खिलाड़ी ने, निसार अहमद खाड़े साहब ने, ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ नज़र आ रही है। शफात तो अब कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ है कि अब बड़े स्ट्रोक्स मुझे ही खेलने हैं, क्योंकि अगर वो इसी तरह से एक छोड़ संभाल के रखेंगे तो अन्य और खिलाड़ी जो सभी आउट होकर उसको एक छोड़ पे ही वो संभाले रखेंगे, तो उन्होंने अच्छी रणनीति अब अपनाई है, बड़े स्ट्रोक से लगातार खेल रहे हैं। और इस बार अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था, बल्लेबाज ने तो छोड़ ही दिया था अपनी विकेट, लेकिन डायरेक्ट हिट इस बार ये नहीं लगी है। ये पारी का 15वां ओवर, कुल मिलाकर 73 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम अब सामना करेंगे उमर, जिन्होंने अब तक 4 गेंदों में 2 रनों का योगदान दिया है। और इस बार स्ट्रोक तो उन्होंने ज़रूर खेला था, गेंद हवा में और वहाँ कैच तो वहाँ नहीं लपक पाए। बारिश उयूब तो खासे हताश निराश नज़र आ रहे हैं, गेंद बाउंड्री के बाहर ही चली गई। उसके बाद इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बारिश उयूब खासे हताश नज़र आ रहे हैं, ये हमेशा होता है क्रिकेट के मैदान में, जब कोई भी गेंदबाज अपनी ओर से अच्छा प्रदर्शन करता है फिर उनको फील्डर उतना खासा योगदान तो नहीं देते, फिर इस तरह की दिक्कतें हमेशा नज़र आती हैं। इज उमर प्लेइंग एट द नो स्टेक एंड, बिल्कुल सही कहा आपने आमिर भाई, दूसरे छोर से उमर ही खेल रहे हैं। पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, और ये लीजिए
जैसा हमारे व्यूवर्स तजम्मुल को ढूंढ रहे थे, और कप्तान ने भी उनके हाथों में गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। एक और बदलाव गेंदबाजी में, तजम्मुल कमेंट्री छोर से अब गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का पहला ओवर। और ये लीजिए, इस तरह से स्वागत किया गया उनको शफात के द्वारा, चार कदमी करके कवर के ऊपर से तीन टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, और इन चार रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 81 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। शेख तजम्मुल का ये पहला ओवर था, अपने कोटे की ये पहली गेंद इस बार की थी, और शफात जानते हैं कि उनके ऊपर दबाव लाना बहुत ज़रूरी अगर उनको कुछ अच्छा लक्ष्य उनको छूना है तो। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था, लेकिन इस बार फॉलो किया बल्लेबाज को, और उनके पैरों पे गेंद यॉर्कर जिसको आप कहते हैं, एक अच्छी पहल तजम्मुल के द्वारा, अच्छी वापसी भी, पहले गेंद पे एक अच्छा शानदार चौका ज़रूर जड़ा था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी भी। अगली बार फिर से सामना करेंगे शफात, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, और इस बार तो गति परिवर्तन किया था, और लेकिन शफात पहले बांप लिए थे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घाओं में छक्का शफात के बल्ले से, और 49 गेंदों में अब वो 42 रनों पे पहुंचे, लगभग 8 रन उनको अपने अर्धशतकीय पारी को बनाने होंगे। और क्या बढ़िया खिलाड़ी, और जिसको हम अंग्रेजी भाषा में वॉरियर के तौर पे कहते हैं, जंगजू खिलाड़ी, और सभी खिलाड़ी तो आउट हुए हैं लेकिन एक छोर से अब तक ये पूरी तरह से लड़ते नजर आ रहे हैं। और इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन चले गए थे, लेकिन केवल एक रन मिलेगा था, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और आकाश नजार ने जिस तरह का बदलाव किया है गेंदबाजी में, और मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम सा मिला है यहाँ अशराफ सोपोर को, और ख़ास तौर से क्या खिलाड़ी शफात जिस तरह से उन्होंने आज इस मैच में खेला है। और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जरूर गई थी, लेकिन कोई मौका नहीं किसी भी रन बनाने का। स्कोर ठहरा हुआ 88 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर के बाद 4 ओवर और बचे हैं इस पारी के। हालांकि आज मुंतजिर बूम बूम का आज चुनाव नहीं किया गेंदबाजी से, कहीं ना कहीं जो बल्ले गेंदबाजी ने उसने अच्छा खासा योगदान दिया है। और इस बार गेंद हवा में है और खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, और मुंतजिर बूम बूम ने बहुत बढ़िया प्रयास किया था, लाजवाब प्रयास किया था, लेकिन अंतिम शरण में ये गेंद जो है ये हाथों से छिटकती नजर आ रही है। लेकिन प्रयास जो है उसके हम पूरी सराहना जरूर करेंगे, और कहना हमेशा आसान होता है लेकिन करनी और कहनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। लाजवाब प्रयास मुंतजिर बूम बूम के द्वारा, लेकिन अंतिम शरण में जैसा मैंने कहा कि गेंद जो है वो हाथों से छिटकती नजर आ रही है, और खतरे की कोई बात नहीं है इन बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। जैसा आप स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन के सामने, हर तरह के आंकड़े आप तक हम पहुंचते ला रहे हैं, आप अपना प्यार जरूर जताएं शेयर करके। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से एक रन बनाने का वहां मौका था, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों में उन्होंने इशारा करके इस एक रन को दौड़ पड़े, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये शफात जो है उनको स्ट्राइक पे लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, और जो सही रणनीति भी है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं जो शफात यहाँ कर सकते हैं वो बस शफात ही कर पाएंगे। काफ़ी समय के साथ वो इस पारी को खेल रहे हैं, 50 गेंदों का उन्होंने सामना किया, हालांकि अभी भी 7 रन वो दूर हैं अपने अर्धशतकीय पारी से, लेकिन मेरे विचार में वो ये नहीं सोच रहे होंगे इस समय अपनी अर्धशतकीय पारी, वो इस समय यही सोच रहे हैं कि टीम को किस तरह से सम्मानजनक स्कोर पे लाके
खड़ा करें। अपनी अर्धशतकीय पारी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे, जहां तक मेरा मानना है। ये पारी का 17वां ओवर है, कुल मिलाकर 91 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। अगली बार जुनैद डार, इस बार बहुत बढ़िया गाइड किया था गेंद को और वहां खिलाड़ी तो मौजूद है लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए और बहुत बढ़िया स्ट्रोक था ये। और तभी तो हम हमेशा कहते हैं ना कि कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में सिर्फ ताकत की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास इस तरह की काबिलियत है तो आपकी जगह रहती है इस T20 फॉर्मेट में। और ये तो लाजवाब स्ट्रोक था, 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 95 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस बार शॉर्ट गेंद थे, पुल करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल के बीच, स्कोर ठहरा हुआ 95 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। जुनैद डार अब तक 2 विकेट लेने में सफल जरूर हुए, लगभग ये अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, 4वां ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का, पारी का 17वां ओवर। इस बार बैकफुट पर जाकर सम्मान के साथ गेंद को खेला गली क्षेत्र की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन बनाने का वहां मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल एक गेंद आनी शेष है इस ओवर में, 17वें ओवर से अब एक गेंद आने वाले बाकी हैं। जुनैद डार सुल्तान वॉरियर्स के प्रमुख खिलाड़ी, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था शफात के बल्ले से ऑन साइड के इलाके की ओर, केवल दिशा बढ़ दी थी इस बार गेंद को, एक रन बनाने का मौका। सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधाएं वहां मौजूद हैं। और गुलाम कादिर काचरू जो हमारे महान शख्सियत है वो हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं। और ये लीजिए हमारे ग्रेट लिसनर, बचपन का प्यार, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद ये व्यूवर्स इस समय हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी, हालांकि बल्ले के बिल्कुल अच्छे भाग पे ये गेंद नहीं लगी थी। एक रन बनाने का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बचपन का प्यार, काफ़ी दिनों के बाद ये व्यूवर्स हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। अच्छा लगा देख के, ये जो उन्होंने नाम रखा है, अच्छा लगा देख के और सुन के भी बचपन का प्यार, इसलिए हम इसको लगातार बोल रहे हैं। दानिश सबू, तनवीर अहद भी इस समय हमारे साथ नज़र आ रहे हैं इस लाइव प्रसारण को, वो हमें अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। दानिश सबूर जैसा लिख रहे हैं, MIT ग्राउंड वेन्यू है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने दानिश भाई, MIT का ये मैदान है, जैसा MIT के से सभी की यादें जुड़ती हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था डीप पॉइंट पे, यासर लेफ्ट ही वहाँ मौजूद है, हालांकि चूक हुई थी, दूसरा रन वहाँ बनता था लेकिन स्ट्राइक शफात के पास वो रहना चाह रहे हैं। और इसके साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर भी लगते हुए इस ये पारी का 18वां ओवर तजमुल इस समय डाल रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बार रोक नहीं पाएंगे इस बल्लेबाज को। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। शफात का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 48 रन, अब केवल 2 रन ये दूर हैं अपने अर्धशतकीय पारी से। और क्या शानदार पारी, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, डीप फाइन लेग के ऊपर से और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये लीजिए एक और अर्धशतकीय पारी शफात के बल्ले से, और ये तब आए जब उनकी टीम को अशद जरूरत थी इस पारी की, उस पे ये पूरी तरह से खड़े उतरते हुए शानदार पारी, एक जिझारू पारी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, जितनी सराहना करें उतनी कम है यहाँ शफात के लिए। किसी खिलाड़ी ने उसका साथ ही नहीं दिया लेकिन एक छोट उन्होंने संभाल के सजाया है। और ये जो पारी है ये उनकी जीवन की सबसे अच्छी पारी तो नहीं होगी लेकिन अच्छाई पारियों में से एक और जरूर होगी ये शफात की।
और अभी भी नाबाद हैं, लड़ रहे हैं गेंदबाजों के साथ। ये पारी का 17 ओवर 106 रन और इस बार फुल टॉस गेंद, ये कदमों का इस्तेमाल किया था, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, रन आउट होने की संभावना है और रन आउट के रूप में एक विकेट जरूर मिली है। लेकिन एक अच्छी चीज़ की है वहाँ बल्लेबाज ने कि वो खुद ही चले गए थे, अन्यथा शफात वहाँ आउट होते। और बहुत बढ़िया ये रणनीति और बहुत बढ़िया दिमाग का भी इस्तेमाल, कहते हैं ना कि बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी, वही किया यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि रन आउट के रूप में उमर वापस जा रहे हैं, 12 गेंदों में 14 रनों का उन्होंने योगदान जरूर दिया है। उमर है ब्रिज ब्लास्टर्स जो टीम है वो उनके साथ खेल रही है और वो इस इवेंट का हिस्सा है और आने वाले दिनों में उनका मैच है। सॉरी ब्रो, आज थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं उमर भाई, आप बने रहें हमारे साथ और शेयर करके योगदान भी दीजिए। लोन मुदासिर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, नसीरदार लेक्चर नसीरदार फ्रॉम तुजर पुलवामा, एंजॉयिंग द लाइव कवरेज, बहुत बहुत शुक्रिया नसीरदार साहब। अब आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें इतना सराहते हैं, हमारे काम को इतना प्यार देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में, भविष्य में भी हमारा इसी तरह से समर्थन करेंगे। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे जीवन रखा है तो मैं आने वाले सालों में भी आपका जो है मज़ा जो है वो आप तक ज़रूर लाऊंगा इस मंच के माध्यम से, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। और लेकिन आप सहयोग करे रहे हैं, आप शेयर करे रहे हैं, हालांकि शेयर करने से कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन हमें ये फ़ायदा मिलता है शेयर से, अन्य और भी फिर हमारे साथ नज़र आते हैं और ये कारण है कि इसलिए हम अपने लाइव प्रसारण में आपको हमेशा शेयर करने को बोलते हैं। और अब तक ये पारी का 8वां ओवर चल रहा है, 106 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अशराफ सोपोर की टीम। आज सुबह टॉस जीता था वहाँ अशराफ सोपोर के कप्तान परवेज ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया उन्होंने, लेकिन कहना पड़ेगा कि उनके लिए सही साबित नहीं हुआ है, वो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में उन्होंने उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है। और इस बार ये तजमुल के बढ़िया गेंद और सम्मान के साथ गेंद को निकाला, इस बार डीप स्केर लेग की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन बनाने का वहाँ मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है और ऐसे में आप हमें ये लिखिए कि आपका क्या लग रहा है। हम ये जानते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, खास तौर से लवली उमर ये जानता है कि आपके पास मुझसे ज़्यादा जानकारी होती है खेल के लिए, और इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना सहयोग ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये ऑल आउट यहाँ हो सकती है या ये पूरे ओवर खेल सकते हैं अशराफ सोपोर की टीम। 12 गेंदें और बची हैं, 8 विकेट आउट हुए हैं, 2 विकेटें उनको आउट होनी है ऑल आउट के लिए, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में सहयोग दें। पारी का 19वां ओवर यासर लेफ्टी ऑफ द विकेट शफात के लिए बाएं हाथ के और नो बॉल का इशारा, और मुझे लग रहा है अगर ये नो बॉल का इशारा नहीं होता तो ये करीबी मामला ज़रूर होता, पैरों पे ये गेंद लगी थी, लेकिन लेग बाय के रूप में यहाँ रन भी मिलता हुआ, कहते हैं ना कि नहले पे दहला ये लगता हुआ विक्टोरिया बारामूला को। और कुछ हद तक ये भी कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी बिखरती नज़र आ रही है ये विक्टोरिया बारामूला की टीम। एक समय ऐसा लग रहा था कि 100 रन में भी ये पहुँच नहीं सकते, लेकिन तारीफ होनी चाहिए वहाँ शफात की, जिस तरह से अद्भुत पारी, लाजवाब पारी उन्होंने खेली है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे सोहेल, और वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का भी सामना करेंगे, और इस बार पैरों पे गेंद जरूर लगी थी,
फ्रेट का उतना बढ़िया तो फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन एक अच्छी चीज उनके दृष्टिकोण से ये हुए कि शफात जो है ना वो अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन 8 विकेटों के नुकसान पर इम्तियाज बट लिख रहे हैं कि 119 टोटल होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 10 मिनट के बाद डार वैस भी हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं। यासिर लेफ्टी इस बार बढ़िया स्ट्रोक था ये शफात के द्वारा और बड़ी आसानी के साथ दो रन उन्होंने अर्जित किए हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन 8 विकेटों के नुकसान पर शफात अब तक 55 रन बना ये नाबाद है 55 रन बना के। एक अच्छी पारी, जिजहारू पारी ये खेल रहे अपनी टीम के लिए। और इस बार गति परिवर्तन की जरूर किया था गेंदबाज ने और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे लगते हुए ये तीसरी विकेट है यासिर लेफ्टी की। और लेकिन क्या शानदार प्रदर्शन रहा है शफात का, जितनी सराहना करे उतनी कम किसी भी बल्लेबाज ने उनका सहयोग नहीं दिया है, लेकिन शफात ने ये एक बार फिर दर्शाया है कि इस खिलाड़ी में क्या काबिलियत है। और ये देखिए मजा आया जो उन्होंने लड़ाई की है एक खिलाड़ी के तौर पे। 113 रन 9 विकेटों के नुकसान पर लगभग अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है। नसीर डार लिख रहे हैं आई थिंक 125 ए कॉम्पिटेटिव टोटल हियर, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेंटी, एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है और इसलिए मैं अपनी भाषा में कहता हूँ ना कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। जिगर शाहिद कुछ अद्भुत नाम होते हैं हमारे वादिया कश्मीर के युवाओं के, वो भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। गुलाम रसूल मलिक भी इस लाइव प्रसारण में योगदान दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद बिग फैन, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अली सर बासी बासुद बिग फैन KSW, बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई। हम सफ़र वाकू और जैसा मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ जो जो हमारे नाम होते हैं और आपके नामों से मैं काफ़ी खुशी होती है सच में। हम सफ़र जैसा हमारे स्क्रीन पे इस समय नज़र आ रहे हैं, जिगर शायद भी बने हैं। तो कुल मिलाकर अब 9 गेंदें बची हैं। मैंने आपको इससे पहले प्रश्न पूछा था कि क्या यहाँ ऑल आउट होगी सोपोर अशराफ की टीम या वो पूरे ओवर खेलेंगे, ये मैंने कुछ देर से पहले आपको बोला था और कहने को कहा था कि आप हमें ये ज़रूर लिखिए, लेकिन शायद मेरी आवाज़ ही आप तक नहीं पहुँची है। लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी यासिर लेफ्टी के द्वारा, ये चले राउंड द विकेट और क्लीन बॉल्ड और ये चौथवें विकेट इस गेंदबाज की। और इस बार जो विकेट है वो टूटती नजर खबर ये है कि मैदान के अंदर सोपोर अशराफ की टीम 114 रन उनको मैच जीतने के लिए करने हैं। और बढ़िया प्रदर्शन किया गेंदबाजी से विक्टोरिया बारामूला ने, खासे खुश होंगे उनके कप्तान। जैसा रहे हैं और के सभी खिलाड़ी और ये तो अब आपस में बातचीत जरूर करेंगे। 113 रन पे ढेर हुई है अशराफ सोपोर की टीम। आज सुबह टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन अंतराल के बाद समय पता जरूर चलेगा क्या ये रन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं या कुछ रन वो कम जरूर पड़ेंगे। पारंपरिक रूप से ये हमेशा ये बातचीत होती है पारी के समाप्ति के बाद, लेकिन आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमें, उसके लिए लवली उमर आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें
कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ। अंतराल के बाद हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तो आप भी अपना योगदान जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।